Good morning, students. Today, I am going to discuss next topic of chapter hydrogen that is hardness. What is hardness? It may be defined as the property due to which water does not leather easily with soap and it is due to bicarbonate chlorides and sulphates of calcium and magnesium present in water to. So, ये वो प्रॉपर्टी है वाटर की जिसमें वाटर इजीली सोप के साथ झाग नहीं बनाता है क्यों नहीं बनाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्स सल्फेट्स एंड कैल्शियम मैग्नीशियम इन वाटर ठीक है टाइप्स ऑफ वाटर सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट वाटर इज द वाटर विच रेडिली फॉर्म्स लेदर विद सोप फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर डिस्टिल्ड वाटर एंड डे मिनलाइज वाटर सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है जो ईजीली झाग बना लेता है जैसे रेन वाटर हो गया डिस्टिल्ड वाटर हो गया ठीक है या डे मिनरलाइज्ड वाटर हो गया हार्ड वाटर कौन सा होता है जो ईजिली झाग नहीं बनाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल सी वाटर वेल वाटर एंड टैप वाटर कॉज ऑफ़ हार्डनेस हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम तो किसकी वजह से होती है हार्डनेस वाटर की वाई कार्बोनेट्स ऑफ क्लोराइड सल्फेट्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसकी वजह से होती है टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है एक परमानेंट हार्डनेस होती है टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या है टेम्प्रेरी हार्डनेस इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर जब वाई कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट होते हैं वाटर में इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस बिकॉज इट कैन ईजिली रिमूव बाई सिंपली बॉइलिंग हार्ड वाटर और इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है वाटर को सिंपली बॉइल करके नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस इट कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ये परमानेंट हार्डनेस होती है इसको बॉइल करके रिमूव नहीं किया जा सकता नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस कैन भी रिमूव्ड बाई सिम्पली हार्ट वाटर एज अ रिजल्ट द वाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कन्वर्टेड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स दिस कैन भी प्रेसिपिटेटेड कैन भी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन देखो हमने कार्बोनेट्स को क्या कर दिया डायरेक्ट हीट कर दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट अलग हो जाएंगे वाटर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस इट कैन ऑल्सो भी रिमूव्ड बाई एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्क डिलाइम टू हॉट वाटर दिस हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं स्लेक स्लेक्लाइम डाल रहे हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया ठीक है तो क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट अलग हो जाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट अलग हो जाएंगे और प्योर वाटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाई वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर इंस्ट्रीटेड विद वॉशिंग सोडा इट कंबाइन विद क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम एंड फॉर्म देअर कॉस्पॉन्डिंग कार्बोनेट गेट प्रेसिपिटेटेड ठीक है अब हमने कैल्शियम क्लोराइड हम क्लोराइडिंग सोडा डाल रहे हैं वॉशिंग सोडा क्या कर देता है जो जिसकी वजह से हार्डनेस होती है उसके प्रेसिपिटेट बना देता है ठीक है द प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन वाटर ट्वेंटी मॉलिकुल मास नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड लेबोरेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स प्रोसेस दूस सोल्यूशन ऑफ सल्फेरिक एसिड ट्वेंटी परसेंट इज टेकन इन अ कंटेनर सराउंडेड बाय आईस सोडियम परोक्साइड इज नाउ एडेड टू इट स्लोली इन स्मॉल अमाउंट विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग अब हमने क्या किया डायल्यूट सोल्यूशन लिया सल्फेरिक एसिड का कितना ट्वेंटी परसेंट कंटेनर में लिया उसको आइस से सराउंड कर दिया उसमें क्या डाल दिया सोडियम परऑक्साइड इज नाउ एडेड इन टू इट्स स्लोली इन अ स्मॉल अमाउंट विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग द सोल्यूशन अपॉन फर्दर कूलिंग गिव क्रिस्टल ऑफ सोडियम सल्फेट डाईहाइड्राइड विच कैन रिमूव्ड वाई फिल्ट्रेशन द सोल्यूशन इज अबाउट थर्टी परसेंट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास ये आ गया फिर हमने बेरियम परऑक्साइड लिया उसमें H2SO4 डाला बेरियम सल्फेट बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में क्या आ गया वाटर मॉलिक्यूल ये बेटा हाइड्रोजन परॉक्साइड की प्रेपरेशन कर रहे हैं हम या फिर हम ये प्रोडक्ट लें इसमें हम क्या डाल दें हाइड्रोजन पेट्रियम डाल दें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा इसके साथ भी हमारे पास क्या बन रही है हाइड्रोजन बन रही है ठीक है प्रेपरेशन फ्रॉम टू इथाइल एंथ्राक्यूनोन ये टू इथाइल एंथ्राक्यूनोन है जब इसको हम ईट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन परॉक्साइड बनता है या फिर हम Uh, आइसोप्रोफाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तब भी हमारे पास क्या बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में क्या बनती है एसीटोन नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन अब हाइड्रोजन परऑक्साइड की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं उसको कंसंट्रेटेड कैसे बना सकते हैं पहला एवेपोरेशन इन अ वाटर बाथ या तो कहते हैं वाटर बाथ के ऊपर रख दो द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज टेकन इन अवैपोरेटिंग डिश एंड इट इज हीटेड केयरफुल इन अ वाटर वाथ वाटर स्लोली एवैपोरेटेड एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड इज अपटेन तो इस तरीके से अगर हम वाटर वाथ के ऊपर पैटेड डिश में रखे हुए हाइड्रोजन परोक्साइड को हीट करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन परोक्साइड आता है वो फिफ्टी परसेंट आता है नेक्स्ट है इवेपोरेन इन अ वैक्यूम डेसिकेटर द फर्दर कंसन इज डन इन अ वैक्यूम डेसिकेटर द इैपोरेटिंग डिश इज प्लेसड ओवर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेरिक एसिड अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेरिक एसिड के ऊपर रखते हैं डिश को इन अ वैक्यूम डेसिकेटर उसके बाद क्या करते हैं वर्किंग वर्किंग द पंप प्रेशर इन साइड द डेसिकेटर गेट रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड नाइन्टी परसेंट इस तरीके से हमारे पास जो हाइड्रोजन परॉक्साइड आता है वो कितना आता है नाइन्टी परसेंट हाइड्रोजन परोक्साइड आता है नेक्स्ट डाइल्यूशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर सॉरी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूज प्रेशर द सोल्यूशन ऑप्टेन्ड अब डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टेन टू फिफ्टीन एटमोसफेयर पे प्रेशर करके हम उसको क्या करते हैं डिस्टिल्ड करते हैं किसको हाइड्रोजन परॉक्साइड को इस तरीके से जो हमारे पास हाइड्रोजन परॉक्साइड आता है वो नाइन्टी नाइन परसेंट आता है ठीक है नाइन्टी नाइन परसेंट कंसेंट्रेशन आ जाती है हमारे पास हाइड्रोजन परॉक्साइड की रिमूवल ऑफ लास्ट टेस ऑफ वाटर नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड सराउंडेड ड्राई आइस इट सॉलिडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फिर इसको सॉलिडिफाई कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल द क्रिस्टल आर रिमूवड आर ड्राइड केयरफुल टू रिमूव एनी वॉटर टू स्टिकिंग दैम एंड दे आर एंड दे रिलेटेड टू गेट प्योर हाइड्रोजन परॉक्साइड तो इस तरीके से कहते हैं जितना भी बचा हुआ पानी है उसको हम क्या कर देते हैं सोप कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास स्पेसिफिकेट आते हैं वो किसके आते हैं प्योर हाइड्रोजन परॉक्साइड के आते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड हाइड्रोजन परॉक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन परॉक्साइड इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर एंड डिकम्पोज इन टू टू फॉर्म वॉटर एंड ऑक्सीजन एंड अपॉन हीटिंग इट एस वीकली एसिडिक इन नेचर हीट करने पे थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर हो जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इज सल्फर इज सॉरी इन टू सल्फर इन नेचर देखो इसने क्या किया ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है नेचुरल मीडियम में तो एस टू एस में जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो बहुत अच्छा रेड्यूजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको कन्वर्ट कर दिया इसने सल्फर में सल्फर को रिड्यूज़ कर दिया इसी तरीके से लेट सल्फाइड में डालेंगे लेट सल्फेड बन जाएगा और साथ में बहुत आ जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट है इन एसिडिक मीडियम इट इन्वॉल्व आइयिन फॉर्म एसिडिफाइड पोटाशियम आयोडाइड वैन वट हैपन वैन हाइड्रोजन सल्फ हाइड्रोजन परोक्साइड रिएक्ट विद एसिडिफाई पोटाशियम आयोडाइड एसिडिफाई फेरासल्फेट पोटाशियम फेरोसाइनाइड और एसिडिफाई पोटाशियम डाइक्रोमेट ये जितने भी रिएक्शन दे रखी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम पोटाशियम आयोडाइड में एस टू एस ओ फोर हाइड्रोजन परॉक्साइड डालते हैं मतलब एसिडिफाई पोटाशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या बनता है बेटा पोटाशियम सल्फेट वाटर एंड आयोडीन अगर हम एसिडिफाई हाइड्रोजन परोक्साइड फेरोसल्फेट में डालते हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है फेरिक सल्फाइड और टू एच टू ओ फेरोसाइनाइड में डालते हैं एच टू एस ओ फोर एसिडिफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट और साथ में वाटर बनता है अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट uh, में डालते हैं तो के टू एस ओ फोर क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनता है वाटर बनता है ये सारी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन इनको अच्छे से कर लेना नेक्स्ट है इन एल्केलाइन मीडियम इट ऑक्सीडाइज मैगनीज सल्फेट टू मैगनीज डाइऑक्साइड ऑक्साइड मैगनीज सल्फेट में अगर हम हाइड्रोजन पर डालते हैं बेसिक मीडियम में तो ये मैगनीज सल्फेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है साथ में सोडियम सल्फेट और टू वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं नेक्स्ट है रेड्यूसिंग एजेंट ब्लीचिंग एक्शन हाइड्रोजन परोक्साइड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन इट ऑक्सीडाइज कलरिंग मैटर टू द डी कलराइज मैटर ये कलरिंग मैटर को डी कलराइज कर देता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलरिंग मैटर है उसमें हमने क्या डाला हाइड्रोजन परॉक्साइड वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है जिसकी वजह से जो कलर्ड मटीरियल है वो डी कलराइज हो जाता है ये हाइड्रोजन परॉक्साइड का गैशियस फेज में और सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर है इसमें बॉन्ड एंगल 111.5 होता है और सॉलिड फेज में इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है कितना हो जाता है 90.2 डिग्री हो जाता है और बॉन्ड लेंथ भी इसकी डिक्रीज हो जाती है 147 से 145 और 90 फॉर एटी से ये वाले इंक्रीज हो जाती है ये वाला बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है कितना हो जाता है वन हंड्रेड डिग्री एस हाइड्रोजन परोक्साइड एक्ट एज कंपाउंड क्यों क्योंकि इसमें बेटा दो ऑक्सीजन होते हैं एंड द ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज इट इज नोन एज लीनियर मॉलिक्यूल बिकॉज द टू ओ एच बॉन्ड आर इन डिफरेंट प्लेन द इंटर प्लेनर एंगल इज वन इन द गैशियस फेज वेड्यूस नाइनटी पॉइंट इन द सॉलिड फेज द ऑफ हाइड्रोजन बर्निंग इसमें हाइड्रोजन बर्निंग होती है तो बेटा ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया आई होप इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं बट जितना मैंने इसमें करवाया है वो आप ढंग से कर लेना